वन क्लिक में हम प्रोडक्ट इस तरह मैनेज करते हैं। देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है। यहाँ पर कैटेगरी के अंदर मैं किसी एक कैटेगरी को फिल्टर करना चाहूँ फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल कैटेगरी को फिल्टर करना चाहूँ मल्टीपल ले सकता हूँ, ग्रुप वाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ प्राइस से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं ये सॉर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग से यहाँ से कर लेता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है मैं ऐड करता हूँ। देखिए मेरे पास ये nth लेवल की मेरे पास ट्री है, ठीक है। शर्ट के अंदर मैं मजीद भी ऐड कर सकता हूँ। शर्ट के अंदर मैं जाता हूँ ऐड करता हूँ, मैं एक कोई शर्ट कोई भी एक शर्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं चेक ट्रेंड ब्लू चेक प्रिंट मैंने किया और ऐड किया। उसके मैं यहाँ कहता हूँ कि यार ये शर्ट के अंदर कैटेगरी है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल में यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल में डाल दूंगा तो बार कोड ऑटो जनरेट होगा, अदरवाइज मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री प्रोडक्ट आ गई है, मेरे पास पीसेज आ गए। मैं यहाँ पे परचेज प्राइस सेल प्राइस MRP ये सारी डिटेल एंटर करूंगा। सपोज डेट मैं इसके डालता हूँ 1200 रुपये मेरी परचेज प्राइस है, ठीक है, और 1850 रुपये मेरी सेल प्राइस है, ठीक है। ऐड किया मैंने, ठीक है। उसके मैं यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग ऐड कर सकता हूँ, वेरिएंट है मल्टी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेरी मेन स्क्रीन पे शो हो जाएगी। थैंक यू।